तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं पहले तीनों मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और पांच मैच की सीरीज भी जीत ली। तो बात करते हैं फोर्थ मैच जो कि 19 जनवरी को होगा, तो पाकिस्तान के लिए सीरीज बहुत ही बुरा रहा। तो बात करते हैं फोर्थ T20 मैच की जो कि खेला जाएगा 19 जनवरी को हैगली ओवल क्रिस्टचर्च में। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम में नमी रहेगी और बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 41% रहेगा, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का 44% जीतने का चांस है, तो वही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 162 है, तो वही सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 37 मैच खेले गए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 16 मैच जीता तो ही पाकिस्तान ने 20 मैच जीता है। अब बात करते हैं पहली टीम न्यूजीलैंड का शॉट एनालिसिस किया जाए, जहां पर टीम ने इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए आगे बढ़ रही है। टीम ने अब तक तीनों मैच में पाकिस्तान को इजली वे में हरा दिया। वहीं ओपनिंग में बात करें तो फिन एलन और कॉनवे की जोड़ी हिट चल रही है। फिन ने इस वक्त हल्का मचा के रखे हुए हैं। लास्ट गेम की बात करें तो उन्होंने 137 रन की फास्ट इनिंग खेली थी, जिसमें से 16 छक्के भी लगाए थे। अब तक तीन मैच में 245 रन बनाए। वहीं पे केन विलियम्स जो कि चोटिल होने के चलते बाहर हो गए हैं, टीम को लीड कर रहे हैं फिलहाल मिचेल सेंटनर। टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ग्लेन फिलिप्स एंड डेरी मिचेल को आप देख सकते हैं। विकेट कीपिंग में टीम साइफॉर्ट है। फिनिशिंग के लिए बात करें तो टीम चैंपियन पर डिपेंड होगी। वहीं बॉलिंग यूनिट में टीम एक ओवर परफॉर्मेंस कर रही है। वहीं अगर टीम सऊदी ने अब तक दोनों मैच में सबसे ज़्यादा 8 विकेट निकाले हैं। टीम ब्रेक थ्रू के लिए मैट हेनरी एंड लॉकी फर्गूसन से एक्सपेक्ट कर रही है। वहीं एक्सपीरियंस प्लेयर जहाँ पे सऊदी एंड सेंटनर जो कि स्पिन बॉलर स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फिन एलन है, डेविन कॉनवे, टीम सैफर्ट, ग्लेन फिलिप्स, डैरी मिचेल, मार्क चैंपियन, सऊदी, टीम सऊदी, मैट हेनरी, सेंटनर और फर्गूसन। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहाँ पे फिन एलन ने 3 इनिंग में 245 रन बनाए, एवरेज 81 का है। दूसरी प्लेयर डैरी मिचेल जो कि 3 इनिंग में 86 रन है, एवरेज 27 का है। प्लेयर की बात करें तो टीम सऊदी जो कि 3 इनिंग में 8 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 6.2 का है। अब बात करते हैं दूसरी टीम पाकिस्तान का शॉट एनालिसिस करते हैं। टीम के स्टार्ट खराब रही, टीम ने तीनों मैच हार गई। टीम की कप्तानी जहां पे फास्ट बॉलर कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को दी गई थी, लेकिन पहले एग्जाम में वो अब तक फेल दिखे। टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत टीम प्लेइंग 11 का चुनाव नहीं कर पा रही है। बैटिंग यूनिट में बात करें तो टीम रन बनाने के लिए ओपनर में जहां पे मोहम्मद रिजवान है, सईम अयूब, दोनों ने लास्ट गेम फ्लॉप थे। टीम के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है पूर्व कप्तान बाबर आजम का फॉर्म में आना। उन्होंने कमबैक करते हुए तीनों मैच में प्लस 50 प्लस की रन मारी है। यहाँ फकर जमन नंबर 4 पे खेले, लेकिन टीम को जिता नहीं पाए। इफ्तिकार अहमद जो मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी है। विकेट कीपिंग में जहाँ पे आजम खान अब तक सुपर फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें तो टीम फेल चल रही है। हर मैच में टीम खूब रन कंसीड कर रही है। साइंस ऑफ रेडी हरीश ऑफ लीड करेंगे। हरीश ऑफ ने सबसे ज़्यादा 60 विकेट दिया अब तक, लेकिन रन भी बहुत पिटवाए हुए हैं। अमर अजमल, अब्बास अफरीदी लास्ट मैच से ड्रॉप हो गए थे, उनके जगह मोहम्मद वसीम और जमन खान टीम में थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर साइंस अफरीदी जो कि कप्तान बने रिसेंटली, वही मोहम्मद रिजवान है, 22 कप्तान विकेट कीपर है, फकर जमन है, सैम है हुए, बाबर आजम, इफ्तिकार अहमद, आजम खान, मोहम्मद वसीम, जमन खान, हरीश रॉफ, मोहम्मद नवाज। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की है, जहां पे बाबर आजम 3 इनिंग में 182 रन है और एवरेज 60 का। दूसरी प्लेयर की बात करें फकर जमन 3 इनिंग में 84 रन है, एवरेज 28 का। तीसरी प्लेयर की बात करें तो 3 इनिंग में 7 विकेट है और इकोनॉमिक 8.5 का है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली। अब आगे बात करते हैं दोनों का परफॉर्मेंस रिसेंटली देखते हुए। हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में न्यूजीलैंड होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़े, यहाँ पे पाकिस्तान को फिर से अगेन हरा सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।